इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफी और तजियाकार मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जिस गैर यकीनियत का शिकार है और माशी सूरत हाल भी ढकी छुपी नहीं है, ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इल्जाम की जद में हैं और फिर फॉरन फंडिंग केस, ये तमाम तर सूरत हाल किस तनाजुर में देखते हैं सर? देखिए, जो फॉरन फंडिंग केस है वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने जेर समात है और हमें देखना चाहिए उसकी क्या फाइंडिंग्स आती होती हैं और क्या फैसला होता है और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। तो जो चीजें कानूनी और आईनी अदारों के सामने मौजूद होती हैं उस पर उनको फैसला करना होता है, तो इस बारे में हम कुछ स्पेकुलेट तो कर नहीं सकते, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शामी साहब, जिस तरह से दोनों तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, एक तरफ ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है, हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च को लेकर वो ये कहते हैं, तो फिर एक सादा सा सवाल शामी साहब मेरा आपसे ये है कि अंदरूनी एजेंडे पर कौन काम कर रहा है? अंदरूनी एजेंडे पर तो फिर काम करने के लिए मजबूर करना चाहिए ना मीडिया को। हमारे जो अहले सियासत हैं उनका यही अलमिया है, परसों से यही शगल है उनका, वो एक दूसरे पर अल्जामात लगाते हैं और उन अल्जामात की कोई वक्त नहीं होती पब्लिक की नजर में, खाब वो अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट पे लगाए जाएं या गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन पर लगाए जाएं, क्योंकि अल्जाम लगाने वाले आज जो हैं एक दूसरे के हरीफ होते हैं, कल बाहों में बाहें डालकर बैठे होते हैं। तो और यदि आज आपने देखा कि आज मुस्लिम लीग नोन और पीपल्स पार्टी जो है वो हलीफ हैं, जबकि एक जमाने में वो एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाते थे और वक्त आ सकता है कि पीटीआई जो है वो भी कल इनमें से किसी जमात की हलीफ बन जाए। तो इसका सबक यही है कि हर अदारे को, हर संस्कृत और हर जमात को अपना काम करना चाहिए। अपोजिशन का एक अपना दायरा कार है और हुकूमत का अपना दायरा कार है। हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, हुकूमत अपोजिशन बनी हुई है और अपोजिशन जो है जाहिर है कि उसके पास तो करने का काम ही बहुत कम है। तो ये सारा रद्द अमल की सियासत है और रद्द अमल की सियासत जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती, उससे लोग भी कंफ्यूज होते हैं, उनकी कुव्वत अमल भी शल होती है और उनको फिर एक मायूसी भी होती है अपने निजाम से। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, आपका एक तवील सहाफती करियर है और अपने करियर के अंदर आपने हुकूमतों को आते भी देखा है, हुकूमतों को जाते भी देखा है, साजिशें होती भी देखी हैं, जमहूरियतों को आते देखा है, आमरियत को आते देखा है, अभी मौजूदा तनाजुर के अंदर आप मुल्क को किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जैसा कि हमारा मुल्क हमने बना दिया है। आप कहीं चले जाए वहाँ ये सवाल जेरे बहस नहीं होता कि हमारी हुकूमत का क्या बनेगा, हमारी फौज क्या किरदार अदा कर रही है, हमारे हुकूमत और हमारे अदारे एक पेज पर हैं या नहीं है। आप इंडिया में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, आप जो बादशाहते जहाँ हैं वहाँ चले जाएं, जहाँ आप देख रहे हैं जहाँ यक जमाती इस पॉलिटिक्स है वहाँ चले जाएं, ये एक तयशुदा तरीके के मुताबिक हुकूमतें कायम होती हैं और तब्दील होती हैं। हमारी रवश दुनिया से निराली है, हमारे यहाँ हुकूमत आकर बैठती है, हम उसकी तब्दीली के मंसूबे बनाना शुरू कर देते हैं, खबरें उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसके लिए कोशिश शुरू कर देते हैं, फिर इधर उधर झांकना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो बलूगत की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अब ये मामला खत्म हो और हुकूमत जो है इंतखाब के जरिए बननी चाहिए और इंतखाब के जरिए जानी चाहिए, दस्तूर के ताबे बननी चाहिए और दस्तूर के ताबे जानी चाहिए। तो दस्तूर ने आने का रास्ता मुतय्यन किया है, उसके जरिए आए और जो जाने का रास्ता दिखाया है उसके जरिए जाए। जब तक हम सख्ती के साथ इस असूल पर कारबंद नहीं होंगे हमारे मसाइल में इजाफा होता चला जाएगा। अभी भी आप देखें कि हमारी मईशत जो है वो किस हाल में है। अब बांग्लादेश जो है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट से दो गुना हो चुकी है। तो हमें डूब के मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे दावे क्या हैं,
हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं, हम बड़ा हमारा आप देखिए कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक हमारी वजूद है वो देखिए कहाँ है, जोग्राफिया हमारा हमें कितनी तवानाई देता है, हमारा हमारा जो हमारा दिफाई जो साजो सामान है वो कितना हमारे पास है, और मुआशी तौर पर हम अपनी रोटी आप भी कमा सकते, आज भी तर्जों के लिए पाँव हाथ पाँव मारते रहते हैं, और जब तक हम तयक्कुन पैदा नहीं करेंगे और जब तक हम सिस्टम के साथ वाबस्ता नहीं होंगे और जब तक हम अपनी जिंदगी जो है किसी नज्म में लेके नहीं आएंगे, हम फिर अपने हमारा मुस्तकबिल जो है वो नहीं संवरेगा और एक जगह नहीं ठहरेगा। बिल्कुल ठीक है शामी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, और ये बड़े तल्ख हकायक हैं, ये बड़े तल्ख हकायक हैं, और फिर हमें पूछना पड़ता है ना सर कि जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर कुछ मुलाकातें भी होती हुई हमने देखी हैं, उसमें फिर कुछ बयानात और उसमें वजाहतें भी देखी हैं, फिर गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रद्दअमल देना पड़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर के ऊपर, तो इन तमाम तर मामलात को आपको लगता है ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं या ये तमाम तर मामलात आइसोलेशन में देखने चाहिए? मैं नहीं, आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते, एक सजा होती है और सजा के अंदर चीजें कही जाती हैं और उनके असरात भी होते हैं। चेयरमैन नैब भी कह रहे हैं कि हवा बदल रही है। अब देखिए दुनिया में कोई तफ्तीशी अदारा ऐसा है, तभी आपने एफबीआई का कोई ऐसा बयान सुना है उसके सरबरा का, तभी आपने जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसके सरबरा का ये बयान सुना और भाई अब हवा बदल रही है और अब हम जनाब हुकूमत से मुतल्लकीन हैं उनसे हिसाब लेने जा रहे हैं, सब ये जो हमें हैजा हो गया है जुबान का, हर अदारा जो हमारा है वो अपनी जुबान बंद रख नहीं सकता, और लोग जो हैं आपे में नहीं रहते, आपे से बाहर निकल जाते हैं, तो हर उनको खौफ है खुदा करना चाहिए, अपने काम की तरफ तवज्जो करें, उनका काम बोलना चाहिए, उनकी जुबान जो है वो इस तरीके से लौंग्रस्ती नहीं होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफी तजियाकार मुजीब रहमान शामी साहब मुल्की सियासी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश कर रहे थे।